तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्यामकार रिव्यू में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि बिग बॉस शो अपने कंट्रोवर्सीज के बारे में इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इस ओटीटी सीजन 2 में भी कंट्रोवर्सीज का पहाड़ टूट पड़ा है, जो आप लोग जान के काफी शॉक्ड हो जाओगे और लास्ट वाला तो काफी खतरनाक है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का कंटेस्टेंट की रैंक पब्लिक वोट से डिसाइड होनी थी, पर शो की ग्रैंड प्रीमियर में कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग शॉक हो गए थे। बात कुछ ऐसा है कि शो की एंट्री में ही पुकरा इंसान की रैंक 1 थी और पुनीत सुपरस्टार की रैंक 2 थी, पर बिग बॉस के कुछ लोग या फिर जजेस बोल सकते हो आप लोग, उन लोगों ने डिसाइड करके पुकरा इंसान को रैंक 6 और पुनीत सुपरस्टार को रैंक 10 दे दी। ये देख के पुकरा इंसान और पुनीत सुपर स्टार की फैंस जो है काफी नाराज हो गए थे और इसके कारण फैंस जो है बिग बॉस को काफी ट्रोल भी किया और इसके ही कारण बिग बॉस काफी कंट्रोवर्सीज में चला गया। गाइस, हमारे लिस्ट की जो दूसरा कंट्रोवर्सी है ये मुझे काफी पर्सनल लगा, क्योंकि एमसी स्टैन जो है पुणे सुपरस्टार की कंटेंट को क्रिंज बोल देते हैं और उसके बाद से ही गाइस एमसी स्टैन को जिस कदर उनके फैंस ने ट्रोल किया, उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गाइस 2 से 3 लाख घट गए। और साथ ही गाइस पुणे सुपरस्टार जो है एमसी स्टैन का एक टी-शर्ट भी लॉन्च करते हैं जिसमें गाइस एमसी क्रिंज लिखा था और इसकी वजह से ही एमसी स्टैन और पुणे सुपरस्टार का जो कंट्रोवर्सी है वो काफी ट्रेंडिंग में भी चला। गाइस, हमारे लिस्ट का जो थर्ड कंट्रोवर्सी है ये काफी स्पेशल है, क्योंकि गाइस लॉर्ड पुनीत का जो एविक्शन था ना वो सदियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि गाइस लॉर्ड पुनीत जो है बिग बॉस के घर से अपने पहले ही दिन में बाहर निकल जाते हैं। वो घर के अंदर गाइस इस कदर तमाशा क्रिएट किया, सभी कंटेस्टेंट को दिन में तारे दिखा दिए गए। सभी कंटेस्टेंट इरिटेट होने के कारण लॉर्ड पुनीत को जो है एविक्शन कर दिया जाता है। जब लॉर्ड पुनीत जो है बिग बॉस के घर से बाहर निकल गया, अभी गाइस बिग बॉस का जो टीआरपी है वो काफी बढ़ने लगा और साथ ही साथ गाइस लॉर्ड पुनीत भी काफी वायरल होने लगे, जिसके बदलत गाइस उनका 3 लाख फॉलोअर्स से सीधा 30 लाख हो गए और ये बिग बॉस के इतिहास में गाइस सबसे कंट्रोवर्सीज वाला टॉपिक है और इसे कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। हमारे लिस्ट का गाइस फोर्थ कंट्रोवर्सी में तो फुकरा भाई एंग्री मोड 2.0 हो गए थे और उनकी पेरेंट्स भी काफी शॉक थे गाइस फुकरा को गुस्सा देख के। बात कुछ ऐसा है गाइस, बिग बॉस बेबिका को एक टास्क देते हैं जिसमें गाइस उनको सभी कंटेस्टेंट का फेस रीडिंग करना होता है, उसमें से एक थे हमारे फुकरा भाई और फुकरा भाई का फेस रीडिंग करते हुए बेबिका ने काफी उल्टा सीधा बोल देते हैं और उसके बाद गाइस फुकरा और बेबिका के बीच काफी घमासान युद्ध होता है, जिसे देख के गाइस फैंस से लेकर फुकरा इंसान की फैमिली तक काफी में थे। और साथ ही गाइस फुकरा इंसान की व्हाइट टिकट इंसान का भी रिएक्शन सामने निकल के आया था और एक कंट्रोवर्सी भी काफी हद तक चली गई। हमारे फिफ्थ कंट्रोवर्सी में तो गाइस पूजा भट्ट इतना ट्रोल्ड हुई कि वो अपने मूवी में गाइस इतना ट्रेंडिंग में नहीं थी कभी। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के बीच एक बहस होती है, उसकी दौरान पूजा भट्ट जो है फुकरा इंसान को परवरिश के बारे में बोल देते हैं। इसके कारण गाइस फुकरा इंसान जिस तरह से मतलब पूजा भट्ट को रिप्लाई देते हैं काफी इंटरेस्टिंग था देखने में। और साथ ही गाइस फुकरा इंसान की जो फैंस है पूजा भट्ट को काफी ट्रोल भी किया और ये कंट्रोवर्सी भी गाइस अभी तक चल रही है। और साथ ही गाइस फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं गाइस लोग ये मान रहे हैं कि दोनों के बीच एक ही कंटेस्टेंट जीत सकता है। सभी का तो गाइस ये मानना है कि जितना तो फुकरा इंसान का ही तय है। अगर ऐसा हो गया गाइस काफी खुश होगा, क्योंकि गाइस हम सभी चाहते हैं कि पूरा इंसान ही बिग बॉस जीते। बोल आप लोगों का क्या मानना है गाइस, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये मुझे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती है गाइस। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस, वंदे मातरम।